हेलो गुड इवनिंग वर्ल्ड सिनेमा की बात करें वहाँ पे काफ़ी फिल्में प्रेजेंट की गई है, क्या आप मैनेज कर पाए कोई देखने के लिए या किस फिल्म? नो आई मीन यू नो मैं बहुत खुश हूँ कि किरण जी, किरण राव जी और अनुपमा चोपड़ा जी ने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुंबई इंडियन सिनेमा का घर है और ये ज़रूर होना चाहिए कि एक दुनिया का सबसे अच्छा फिल्म फेस्टिवल शुड बी बेस्ड इन बॉम्बे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड दैट इट्स हैपनिंग. एक हमेशा एक मैं सुनता आ रहा हूँ कि एक यू नो देयर हैज ऑलवेज बीन अ डिवाइड बिटवीन कमर्शियल सिनेमा, आर्ट सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा, बट व्हाट आई थिंक इज ब्यूटिफुल इज दैट यू नो देयर शुडंट बी अ डिवाइड, देयर इज जस्ट गुड सिनेमा एंड यू नो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू सपोर्ट मामी and to hope that the Mumbai Film Festival can become one of the best film festivals in the world. And I'm really excited about the fact that it encourages so much new talent and gives people a platform to display the work that they have to offer. Thank you. Sir, what is the reason of growth of independent cinema in Bollywood? So nowadays it's been increasing day by day, and from last year it has been all the scenes. Okay, I think that's enough, because I mean it's difficult for me to answer these questions. It's for a long interview, you know. So, I'm just happy to be here. So one more question, yeah. Sir. Sohali Kanjali said that. Okay, sir. Sir.